गौतम बुद्ध नगर की महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया था, लेकिन महिलाओं के साथ होने वाले अपराध थम नहीं रहे। आम महिला के साथ महिला पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। बता दें कि डब्बूपुरा कोतवाली में तैनात एक महिला पुलिस कर्मी के साथ अज्ञात बदमाश ने बदतमीजी की और मोबाइल छीन कर भाग गया। इस मामले लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने फोन पर ही कोतवाल को सस्पेंड कर दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महिला सिपाही की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं इस मामले की जांच एसीपी एचआर ग्रेटर नोएडा को सौंपा गया है। डीसीपी ग्रेटर नोएडा अभिषेक वर्मा ने बताया कि 13 दिसंबर को महिला सिपाही अलका चौधरी शाम लगभग 7:30 बजे जब थाना दादरी से थाना रबुपुरा अपनी ड्यूटी हेतु आ रही थी, उसी समय एक शराबी ने रास्ता पूछने के बहाने उनको रोका और मोबाइल छीन कर भाग गया। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में रबुपुरा कोतवाली प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी विवेक श्रीवास्तव को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह फोन पर डांटती नजर आ रही है। थाना रघुपुरा में तैनात महिला पुलिसकर्मी अलका चौधरी के साथ एक मोबाइल छीनने की घटना सामने आई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 13/12/22 को शाम लगभग 7:30 बजे जब वे थाना दादरी से थाना रघुपुरा अपनी ड्यूटी हेतु आ रही थी, उसी समय एक शराबी व्यक्ति द्वारा रास्ता पूछने के बहाने उनको रोका गया और मोबाइल छीन करके भाग गया। पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है, साथ ही एसपी 4 के निर्देशन में टीमें गठित कर गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।